अभी अभी मैं हमारे सभी विद्यार्थी साथियों ने कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल थल नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस है, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते हैं। क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है, तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप जाने से पहले उस एग्जीबिशन को जरूर देखें और उसमें क्या है उसको समझने की कोशिश करें और अपने स्कूल में वापस जाने के बाद अपने जो अनुभव है वो जरूर और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। करेंगे? इधर से आवाज आई, उधर से नहीं आई, उधर से नहीं आई। करेंगे? मेरी आवाज सुनाई देती है ना? अच्छा, आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है। और आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे, कुछ लोग होंगे जेन्युइनली जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसमें समाधान खुद को भी मिले औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाए, लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाधान हो जाएगा। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।